नमस्कार, मैं रोशन हूँ। मित्रों, जो हमारे न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, न्यूज़ चैनल हैं, वो समय समय पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं उनके, जो हमारे पॉलिटिकल नेता हैं उनके ग्राफ, और ख़ासकर प्रधानमंत्री और जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार होता है उनके बारे में सर्वे करते रहते हैं। तो एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तो लगातार उनका ग्राफ बढ़ रहा था, और जब भी रैंकिंग आती थी, इवन 2024 के चुनाव तक, तो प्रधानमंत्री नंबर एक पर रहते थे और नंबर दो पर वो 10वें से भी नीचे रहता था। यानी नंबर एक और नंबर दो के बीच में 10 का फर्क होता था। अभी फिर सर्वे आ रहे हैं, ये सर्वे चौंकाने वाले हैं क्योंकि अब स्थितियां बदल रही हैं। और आज ही इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आया है, उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें बताई हुई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम, डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। आज जो इंडिया टुडे का सर्वे आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, क्या है कि जो सर्वे आए हैं और तमाम और सर्वे भी आ रहे हैं, ये मूड ऑफ द नेशन करके सर्वे किया है इंडिया ने और सी वोटर ने, कंबाइंड सर्वे इंडिया टुडे के लिए किया है सी वोटर ने। उस सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले इसलिए हैं क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए उसमें सुखद चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, तो वहीं भाजपा के लिए थोड़ी सी पीड़ा देने वाली चीज़ें हैं। पिछले 6 महीने पहले जो उन्होंने सर्वे किया था, उस सर्वे से उन्होंने कंपेयर किया है। 6 महीने पहले पीएम मोदी की पीएम के तौर पे लोकप्रियता जो थी वो 54% थी और राहुल गांधी की लोकप्रियता 14% थी। हाँ, मोदी बहुत और राहुल की अंतर, लोकप्रियता में बहुत अंतर था, बहुत अंतर था, जमीन आसमान चौदह का, परसेंट और और 54%। 54%। अब इन 6 महीने में, जो फरवरी में जो सर्वे हुआ था, जो इन 6 महीनों के इस बाद जो अब चीज़ें बदली हैं, वो उसके हिसाब से अब मोदी जी की लोकप्रियता जो है देश के अंदर वो घट के 49% के करीब आ गई। मतलब वो घटी है। हाँ, 6% के आसपास घटी है और राहुल गांधी की 14 से 23% पहुंच गई, हाँ, मतलब मतलब उसमें 9% घटा। का ग्राफ हाँ, हुआ। मतलब इनका 6% घटा, इनका नौ तो परसेंट लोकप्रियता के हिसाब से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने लंबी छलांग लगाई है, 14 से 23 पे 23% पहुंच गए और ये और जो है राहुल मोदी जी नीचे आए हैं। नीचे आ गए हैं। तो ये मतलब ये दर्शा रहा है कि लोगों का राहुल गांधी को लेके रुझान बदल रहा है तेजी के साथ। और देखिए, उसके पीछे जो प्रमुख कारण है मैं बताऊं आपको वो, और इतना ही नहीं, मैं और भी बताऊं आपको इसमें क्या हुआ है कि नेता विपक्ष के रूप में, मतलब इस जो सर्वे निकल के आया है इसमें जो जनभावनाएं हैं उनका मूड जो है उनके हिसाब से राहुल गांधी विपक्ष के एकमात्र निर्विवाद नेता के रूप में रिजल्ट सामने आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मतलब विपक्ष में उनके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी छलांग लगाई है वो अखिलेश यादव ने लगाई है, जो पिछली बार चौथे नंबर पे थे अब दूसरे नंबर पे आ गए, 7.3% किया उस पर। और जो ममता बनर्जी जो दूसरे नंबर पे थी उनका नंबर घट के जो है, जो वो उस समय 16-23 के करीब थी, 16.7 के करीब थी, उनका घट के और नीचे आ गया, वो नंबर 4 पे आ गई इस समय। तो देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद से अगर लोकप्रियता का पैमाना विपक्ष में देखा जाए तो विपक्ष में लोकप्रियता का पैमाना जहां राहुल गांधी का काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, वहीं विपक्ष के नेताओं में अखिलेश यादव जो है वो भी लंबी आगे आगे छलांग हैं। लगाई और और अखिलेश यादव सबसे आगे आ गए। और उस सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में अखिलेश यादव है। अखिलेश, हाँ, और गजब की बात यह है कि जो केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपने को विपक्ष का सबसे बड़ा नेता और प्रधानमंत्री का दावेदार पेश कर रही थी, उनकी लोकप्रियता जो है वो 5वें 6ठे नंबर पर आ गई और 5.6 पर आ गई। हाँ मुझे चाहिए, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं उसके हाँ, बाद से उनका कद बहुत बढ़ गया। यानी वो जो अब जो विपक्ष के नेता हैं उनमें भी वो बहुत ऊंची उन्होंने छलांग मारी है और हाँ उनकी स्वीकार्यता हो गई है, ऐसा लग रहा है। स्वीकारिता हो गई। देखिए, और इसके पीछे कारण क्या है, राहुल गांधी का मतलब जो मेकओवर हुआ है ना, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, बदलाव जो आया है उस बदलाव को जनता ने स्वीकार किया। और उसके पीछे जो प्रमुख रीजन है उनमें देखिए सबसे बड़ी तो एक तो भारत जोड़ो यात्रा है ना। दूसरे जो ये जो शैली अपना रहे जिसपे हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि लोगों के बीच में जाना, हाँ, लोगों के लोगों बीच से में, सीधा संवाद करना, हाँ, जनता के मुद्दों को पार्लियामेंट के अंदर उठाना, और इतना ही नहीं जो लोगों की बातचीत में या जो निकल के आ रहा है लोगों को, राहुल गांधी का जो ये आक्रामक तेवर जो है, आक्रामक जो रवैया है वो लोगों को पसंद आ रहा है। और उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी इस समय 34%
लोगों की पसंद बने हुए। बिल्कुल। अच्छा, फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि जो अभी ये जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, और जो वहाँ इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुकाबला किया, जो गठबंधन किया है, उससे कहीं बीजेपी परेशान हो गई है। आज अमित शाह ने 10 सवाल पूछे राहुल गांधी से, और पूरा बीजेपी ने आज अटैक किया कांग्रेस पर। उनको लगा कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये क्यों हुआ, परेशान हो गए। क्योंकि गठबंधन होना तो राजनीतिक दलों की एक सामान्य सी बात है। बीजेपी भी बहुत सारे गठबंधन करती है, अभी हो सकता है कि पीडीपी से भी बीजेपी का गठबंधन। आप मुझे एक चीज बताइए कि अमित शाह जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, क्या उनके जो सहयोगी जिनकी दम पे सरकार चल रही है, चंद्रबाबू नायडू ने जो घोषणा पत्र अपना किया था उस पर टिप्पणी करने का साहस है उनमें? उन्होंने तो मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की घोषणा की। मैं वही कह रहा हूँ, उस पर टिप्पणी करने का साहस है उनमें? नहीं कर सकते। आप राजनीतिक फायदे के लिए जो आप जो टिप्पणी कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आप मुझे एक बात बताइए, आप जिस तरीके का सवाल उठा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई आतंकवादी संगठन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई अलगाववादी संगठन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई पाकिस्तान परस्त पार्टी है? आपकी देश की मुख्यधारा की जुड़ी हुई पार्टी है, और ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो आपके सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो मंत्री थे, जो मंत्री थे और कद्दावर मंत्री थे, ठीक है ना, उमर अब्दुल्ला थे उस समय, बिल्कुल सब विदेश मंत्री थे, ठीक है। तो आप ये बताइए कि आज उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके आप सवाल किस मुंह से उठा रहे हैं? दूसरी बात, अभी कल को आप इस, मुझे तो जो लग रहा है, मैं कल भी आपसे कह रहा था, मुझे लग रहा है कि अभी सवाल उठाने के बाद तो इन्होंने अपने को बांध लिया, अभी पीडीपी से किस मुंह से गठबंधन कर। हाँ, वो भी तो 370 हटाने की बात कर रही है। नहीं, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो फिर भी लिबरल है थोड़ा सा, अगर जम्मू की कश्मीर की राजनीति में देखा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पीडीपी से अगर आप तुलना करेंगे तो पीडीपी ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा कट्टरवादी है, ठीक है ना। तो मुझे अब लगता है कि आज जिस तरीके से अमित शाह जी ने सवाल उठाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को लेके, तो उसके बाद वो अब तो ये तो सारे रास्ते बंद हो गए। अब तो मतलब लोग पूछेंगे कि भैया आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन में सवाल उठा सकते हैं, तो आप किस मुंह से पीडीपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, या किस मुंह से आप पीडीपी के साथ सरकार बनाने की सोच सकते हैं? मुझे लगता है कि देखिए है क्या कि जो सर्वे हो रहे हैं, जो अब पॉलिटिकल पार्टीज, आपको भी पता है, चुनाव से पहले जो है अपना आंतरिक सर्वे कराती हैं, अपने आंतरिक फीडबैक लेती हैं, और उस फीडबैक में उनको पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है। हाँ, बेहद अपार जनसमर्थन वहाँ पर मिल रहा है, ठीक है ना। उस अपार जनसमर्थन के बाद, और देखिए जम्मू कश्मीर का चुनाव एक छोटे मोटे राज्य का विधानसभा चुनाव मत समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा मैसेज, हाँ, इसका संदेश बहुत बड़ा है, क्योंकि आपने इस पे बहुत बड़ा स्टेक बीजेपी ने लगाया। आप सोचिए ऐसे ही जैसे कि अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार, हाँ, तो उसका बहुत बड़ा मैसेज गया, बहुत बड़ा मैसेज गया। ऐसे ही जम्मू कश्मीर अगर चुनाव हार जाते, क्योंकि आपके ये सारे दावे जो आप करते घूम रहे हो कि पिछले हमने 10 सालों में जम्मू कश्मीर में ये कर दिया, जम्मू कश्मीर की जनता में अमन है, चैन है, भाजपा सरकार से खुश है, सरकार के कदमों से खुश है ना, सारे वो सारे एक्सपोज हो जाएंगी चीजें, तो बहुत बड़ा स्टेक है, और इसीलिए इनको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसलिए सवाल कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप दूसरी पार्टी किसके साथ क्या करती है क्या नहीं करती वो छोड़ दीजिए, आप उनको मत लाइए अपने बीच में जी। तो मुझे लगता है कि जो ये सर्वे आ रहे हैं, और इन सर्वे में पिछली बार भी हमने देखा कि इन सर्वे को लेकर जो कांग्रेस में बड़ी दिक्कतें थी, बड़े उन्होंने सवाल उठाए थे कि ये सर्वे जानबूझ के किए जा रहे हैं, पैसे दे के किए जा रहे हैं, एक नेता को बड़ा किया जा रहा है, दूसरे नेताओं को छोटा किया जा रहा है। पर मुझे लगता है कि जब से राहुल गांधी का कद बढ़ा, बीजेपी का यानी प्रधानमंत्री का कम हुआ, तो उनको उसको विपक्ष भी स्वीकार कर रहा है कि सर्वे ठीक आ रहे हैं, यानी हमारा ग्राफ अपवर्ड है, तो लोकसभा के चुनाव तक यानी 2028 तक हमारा ग्राफ ठीक ठाक हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी अभी और चीज़ एक चीज़ देखिए कि राहुल गांधी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, कि एक तो नेता विपक्ष के रूप में उनकी स्वीकारिता का ग्राफ तेजी से बढ़ा, विपक्ष के नेताओं में वो नंबर एक पर हो गए, और देखिए इसी जो स्मूड नेशन का सर्वे है उसमें कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में जब लोगों से पूछा गया तो 49% लोगों की ये राय थी, 51% लोगों की ये राय थी कि कांग्रेस में सबसे ऊपर जो है सबसे बड़े नेता के रूप में राहुल गांधी, और मजे की बात यह कि अभी तक एक मिथ बना हुआ था कि राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी का जादू है, प्रियंका गांधी का जादू है, तो प्रियंका गांधी का जो है वो प्रदर्शन बहुत नीचे है उनके बाद, 6% है। देखिए असल में मुझे लगता है कि जो कांग्रेस में स्वीकारता हो गई है वो राहुल गांधी की हो गई, राहुल गांधी की, क्योंकि वो नेता बन गए भारत जोड़ो, और जब वर्तमान अध्यक्ष वो 5% पे ही आके नीचे रहे, वो तो सबको पता है कि नहीं, जो भी है, तो इस तरीके से स्थिति है।
अब उसी इसे एक सर्वे और आया, देखिए भाजपा के अंदरूनी उस पर उसी मतलब उसी सर्वे के एक सवाल है भाजपा के अंदरूनी न्यूज़ पर कि पीएम मोदी के बाद सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है, पीएम के लिए पीएम मोदी के बाद सबसे उपयुक्त चेहरा कौन है और कौन लोकप्रिय है। तो अब देखिए उन लोगों को बड़ा झटका लगेगा, बाबा योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का प्रखर ध्वजवाहक और हिंदुत्व का चेहरा और लॉ एंड ऑर्डर और फलाना ढिकाना जो थे, अमित शाह 26% के साथ दूसरे नंबर अभी भी पूरे देश के अंदर, और साउथ से जो है 35-36% लोगों का मतलब है वो प्रतिशत, और साउथ में जो जाए जब जाएंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द इंडिया कहा जा रहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ की पूरी देश के अंदर छवि और ये है, तो साउथ में भी और नंबर यहाँ पर ये 19% के साथ तीसरे नंबर योगी आदित्यनाथ। तो इसका मतलब ये कि जो नेशनल लीडर में है अभी योगी जी को वहाँ आने में समय लगेगा, समय लगेगा। तो लोगों को ये मतलब ये इस तरीके के चीज़ें जो अभी बहुत सी अब इसमें भ्रम टूट गए ना कि जैसे कि अब लोगों को लगता था कि नहीं राहुल से ज़्यादा कहीं चमत्कारी जो है चमत्कारी चेहरा है और राहुल से ज़्यादा लोकप्रिय प्रियंका है, तो वो प्रियंका बहुत नीचे है। बिल्कुल, पर मुझे लगता है डॉक्टर साहब कभी कभी हम ये सब देखते हैं कि ये सर्वे जो होते हैं इनका बहुत मतलब तो होता नहीं है, क्योंकि जब भी सर्वे होते हैं तो उसमें एक को बड़ा, जैसे अब पिछली बार जब प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में कहा गया था तो प्रधानमंत्री मोदी तो ठीक थे, राहुल गांधी भी ठीक थे, अब लोगों ने मनमोहन सिंह को भी उसमें जोड़ा हुआ था, मुलायम ये लालू प्रसाद यादव को या ममता को भी सब में जोड़ा हुआ था, जबकि पता है कि ये सब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, पर वो कैलकुलेशन करने के लिए इस तरह के सर्वे करते हैं, तो वो सर्वे भी कहीं ना कहीं सवाल होते हैं। ऐसा ना कि सर्वे से एक संकेत मिल सकता है थोड़ा सा, ठीक है, सर्वे का मतलब ये नहीं कि यही चीज है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि क्या सैंपल साइज है, कहाँ किस जगह पे कर रहे हैं, किस आयु वर्ग में कर रहे हैं, किन लोगों के बीच में कर रहे हैं। देखिए आप मतलब अब सपोज आपने कहीं भाजपा के ज़्यादा समर्थक जहाँ पे हैं जिस एरिया में वहाँ पे आपने सर्वे किया तो भाजपा के समर्थन में आ जाएगा, कांग्रेस के समर्थक कांग्रेस के समर्थक, एक मूड ऑफ द नेशन मतलब एक लोगों के मन में क्या चल रहा है उसे एक संकेत मिलता है इन सर्वे से। सर्वे का कोई बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं होता, लेकिन आम देखिया देखा जाए तो आप भी देख रहे होंगे, हम लोग भी देखते हैं, ठीक है ना, कि लोगों में राहुल गांधी के प्रति नज़रिया एकदम तेज़ी के साथ बदला है और उनमें उम्मीद नज़र आ रही है लोगों को, और अब वो जो उनकी छवि बनाई गई थी 10 साल के बीच में तमाम पैसा खर्च करके, तमाम मीडिया का, सोशल मीडिया का, तमाम लोगों का उपयोग करके जो उनकी एक पप्पू की छवि बनाई गई थी, उस छवि वो 360 डिग्री घूम गई है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो ये तो जनरल दिखाई पड़ रहा है। सर्वे से एक ये लगता है कि भाई ठीक है कि एक आपने कलेक्शन किया, एक थोड़ा सा एथेंटिसिटी आ जाती, वरना आम आप जब जनता के बीच में जाते हैं, आम जनता से मिलते जुलते, तब भी आपको नजर आता है कि राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है और इस बीच में राहुल का ग्राफ तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा है, चाहे नेता विपक्ष के रूप में हो, चाहे कांग्रेस के नेता के रूप में हो, या लोकप्रियता का मामला हो, तो लोकप्रियता के मामले में भी पीएम मोदी के बाद अगर दूसरे नंबर पर देश में है तो राहुल गांधी ही है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को नंबर 2 तक पहुंचाने में भी बीजेपी का बड़ा रोल रहा है, जिस तरह से उन पर अटैक हुए हैं, जिस तरह से मुकदमे हुए हैं, जिस तरह से वो जो कहते हैं कि मेरा घर छीन लिया, मुझे 25 मुकदमे कर दिए, इन सब बातों का मुझे लगता है कि इसमें भी असर रहा होगा। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर ये सर्वे को आप देखें तो आप राहुल गांधी को कहां पाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को कहां पाएंगे? क्या आपको लगता है कि 2028 में जो मुकाबला होगा वो बराबरी का होगा? जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।